रात्रि ड्यूटी पर चिकित्सा स्टाफ के उपस्थित न रहने संबंधी जन शिकायतों के चलते जिलाधिकारी रीना जोशी ने विकासखंड मूनाकोट के अंतर्गत बड़ालू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मियों से संबंधित उपस्थित पंजिका का निरीक्षण किया तथा संबंधित चिकित्सा के MOIC सचिन प्रकाश से नाइट ड्यूटी में उपस्थित रहने वाले चिकित्सक स्टाफ के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा गत दिवस गुरुवार को नाइट ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक स्टाफ की जानकारी मांगे जाने पर NOMIC ठीक से जानकारी नहीं दे पाए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट की तथा ड्यूटी पर तैनात रहने की बात कही। उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर सहित नाइट ड्यूटी पर तैनात रहने संबंधी विवरण अवश्य दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा दवा वितरण कक्ष, मरीज भर्ती वार्ड, मरहम पट्टी कक्ष आदि का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा मरीज भर्ती वार्ड एवं मरहम पट्टी कक्ष में रखे डस्टबिनों के ढक्कनों पर अत्यधिक धूल जमा दिखाई देने पर नाराजगी प्रकट की तथा चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ ने 10वीं व 12वीं के एग्जाम में सफलता प्राप्त करी और 100% सफलता प्राप्त करने पर महामंडलेश्वर स्वामी विनंदन महाराज ने सबको साधुवाद व आशीर्वाद दिया। BRO पर लगे बड़े आरोप, आदि कैलाश से यात्रा दल वापस आ रहे हैं परंतु दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि BRO के द्वारा सड़क नहीं खोली गई है। स्थानीय टूर ऑपरेटरों में बड़ी बेचैनी है और BRO के खिलाफ अत्यधिक मात्रा में गुस्सा भी है कि BRO के द्वारा यात्रा सीजन को खराब कर दिया गया है। विगत एक हफ्ते से लगातार गृह भी कह रही है कि कुड्डी से जौलीगंज जो आदि कैलाश का जो मार्ग था वो खुलने वाला है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई काम हो ही नहीं रहा है, जिस कारण से जो श्रद्धालु है जो आदि कैलाश के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं बिना दर्शन को ही वापस जाना पड़ रहा है। तो हम शासन प्रशासन से लगातार निवेदन कर रहे हैं और गृह से भी निवेदन करते हैं कि लगातार कि ये रोड जल्द जल्दी खोल दिया जाए। और अभी भी गृह ने बोल रखा है 2 दिन में खोलेंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाँ तक ये मैसेज मिला है कि रोड नहीं, रोड में काम नहीं हो रहा है। यात्री सीनियर सीजन पे बेरोजगार को रोजगार ना मिलना सड़क कहीं ना कहीं बाधा बनती जा रही है। गर्भाधार की सड़क भी लगभग हर वक्त बाधा बनती थी, इस वक्त भी बाधा बनी है। साथ ही आदि कैलाश में BRO के द्वारा सड़क नहीं खोलने से भी टूर ऑपरेटर नाराज है, सड़कों में उतरने की बात कर रहे हैं। कल परसों भी हमारा टूर जितने ऑपरेटर्स हैं लगभग कुछ तो गाँव में है फंसे हुए हैं, तो उनका वहाँ से भी मैसेज आ रहा है कि अगर रोड नहीं खुलता है और इस टाइप से हमारे साथ अन्याय होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और शासन में भी हम लिख रहे हैं कि थोड़ा टूरिस्ट और टूरिस्ट ऑपरेटर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी पासेस बनते हैं उसमें थोड़ा नरमी बरता जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, इसलिए भी लोग परेशान हैं। कांग्रेस को मिली संजीवनी बूटी, 136 सीट पर कांग्रेस ने विजय जीत होने के बाद कांग्रेसी झूमते नजर आए। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी भूपेंद्र सिंह थापा ब्लॉक 10 के नेतृत्व में एक भारी जुलूस, मिष्ठान वितरण व पटाखे फोड़कर खुशी मनाई और कांग्रेस की वापसी पर लोगों में प्रसन्नता देखने को मिली। की खुशी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला द्वारा एक यहां जश्न और मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाया और हम सब कांग्रेसी जनों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और हमारे बहन प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कर्नाटक की जनता को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से जो वहाँ पर 40% भ्रष्टाचार हो रहा था उसको खत्म करने के लिए जनता ने अभी कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और कांग्रेस पार्टी लगातार जो बढ़ती महंगाई में रोक लगाएंगे और आने वाले दिनों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसी आशा के साथ जय।
बजरंगबली। अभी जो शुरुआत हुई है ये एक शुभ संकेत है और जो मोदी सरकार की नींव है ये दहाने का काम कर रही है। अभी ये शुरुआत है पूरे देश में, देश जान चुके हैं इसलिए पूरे देश में अब सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस होगा और जो भाजपा की जो एक षड्यंत्र और महिला विरोधी और युवा विरोधी जो देश में एक षड्यंत्र था वो अब दहने का काम कर रहा है। अब देश में कर्नाटक की तरह पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस आएगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।